इतनी चाबियों में पहले गोदाम की चाबी ढूंढनी पड़ेगी। वो तो गया, आओ हाथ लगाओ लगाओ। अरे भैया अब ये तो जाम हो रखा है, क्या क्या खड़ा कर रखा है। ये तो खैर कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। और ये भी मैंने यार पहली बार देखा, क्या है ये? एसडी भी है। एसडी एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं अच्छे होंगे। आज अपनी बुलेट का साइलेंसर बदलवाने चलते हैं। इस पे जो अभी साइलेंसर लगा हुआ है ना, वो है तो कंपनी वाला, लेकिन यहाँ से टूट चुका है वो, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गंदा सा लगता है ये। अब मेरे पास जो है वो पटाखे वाला साइलेंसर पड़ा है, जिसकी तेज आवाज होती है, शॉर्ट बॉटल भी कहते हैं मेरे ख्याल से उसे। देखो लगवाने को ये वाला भी नया लगवा लेता, लेकिन 8-8.5 हज़ार का है ये। सुनने में तो मुझे ऐसे ही आया कि इतने कुछ का है, अगर इतने का है तो फिर लगवाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आवाज़ भी नहीं बदलेगी, फिर भी क्या फ़ायदा उससे। इसे अच्छा वही वाला लगवा लेते हैं, हालांकि उस पर चालान है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं, और वो मेरे ख्याल गोदाम पे पड़ा है, गोदाम से निकलवा के बोला साइलेंसर लगवाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। इसी के साथ करते हैं आज के दिन को शुरू। इतनी चाबियों में पहले गोदाम की चाबी ढूंढनी पड़ेगी। यही वाली है? कौन सी है इसमें से? एक तो इतनी चाबियों में चाबी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब ताले, ताला तो एक ही तरफ लगा हुआ है, ये वाला। अब इसमें से ढूंढते हैं कौन सी चाबी है इसकी। अब यार ये जाम हो रखा है। अरे जूते भी अलग गंदे करेगा ये। देखो ताला तो खुल गया बड़ी मुश्किलों से। अरे बहुत बढ़िया, हाँ हो तो गया। आओ हाथ लगाओ लगाओ। अरे भैया अब ये तो जाम हो रखा है। यहाँ यहाँ लगाओ हाथ, चलो। ओ भैया अरे रुक जाओ, फोन रखो, दोनों लगाते हैं हाथ जोड़ के। बहुत मेहनत के बाद ये खुल तो गया है। अब यहाँ साइलेंसर ढूंढना कौन सा आसान काम है, कैसे मिलेगा अब? फोन लगाओ, फोन लगाओ उसे, साइलेंसर को। अरे यार पापा से पूछो, पापा ने रखा था ये लास्ट। अरे भैया मुश्किल हो जाएगा है। साइलेंसर तो मिला नहीं, इसकी ना चेन आवाज कर रही है, ये चेन थोड़ी टाइट करवा लें। रेस देने पे आवाज नहीं कर रही, रेस जब छोड़ रहे हैं तब आवाज कर रही है। तो ये है हमारे बुलटों के डॉक्टर वारिस, क्या नाम है आपका पूरा? शोहेब। शोहेब और हम वारिस नाम से जानते हैं, दुकान भी वारिस ऑटोमोबाइल्स नाम से है। तो बुलटों के तो डॉक्टर हैं ये, देखो बुलटे इन पे। एक वो बना भी तो रहे थे तुम, कहाँ है वो, कहाँ खड़े? अच्छा ये डीजल वाली है क्या? पेट्रोल है, कौन सा मॉडल है? अरे भाई साहब ये अंग्रेजों के ज़माने की लग रही है, ये तो अंग्रेजों के ज़माने की बुलेट है ये, बहुत पुरानी 1954, बहुत पुरानी बुलेट है ये तो, मतलब। अरे ये क्या है, राजदूत है ये भी? तो भाई इन पे ऐसी ऐसी आइटम खड़ी हुई है। अब फिलहाल के लिए चेन टाइट करवाते हैं, साइलेंसर तो चलो बाद में देख लेंगे, मिला नहीं आज। भाई ये ट्रायम्प की बाइक है ये, मतलब रॉयल इनफील्ड नहीं है ये। आज के टाइम पे ट्रायम्प की 10-15-20 लाख की बाइकें आती हैं। हाँ आज के टाइम पे 10-15-20 लाख की बाइकें आती हैं ट्रायम्प की, और ये ट्रायम्प की 1953 का मॉडल है। क्या क्या खड़ा कर रखा है। ये तो खैर कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। और ये भी मैंने यार पहली बार देखा, क्या है ये? एसडी भी है। एसडी जावा? एसडी भी है, जावा भी है, एसडी भी है। बहुत बढ़िया, ये भी काफी पुरानी है, ये उल्टे गियरों वाली है, ये तो खैर मेरे घर पे भी खड़ी है। सब कुछ ठीक है, ये भी कुछ खड़ा है, ये क्या है? बजाज एमिटी। अच्छा साइलेंसर देखो इसका, तुम्हारे क्या क्या तो खड़ा कर रखा है यार, विंटेज चीजें खड़ी कर रखी हैं, विंटेज। हाँ हो गई ये टाइट, हो गई। ऐसे एक और चीज़ दिखाता हूँ, बहुत दिनों से ना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप तो मंगा रखा है मैंने, लेकिन मैं मोटो व्लॉग कर नहीं पा रहा था। माइक भी है मेरे पास, ये माउंट भी है फ़ोन लगाने का, लेकिन अभी तक मैं मोटो व्लॉग बना नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे एक दिक्कत आ रही थी। मैंने 3-4 बार बना के ट्राई किया, लेकिन हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा कैमरा, मतलब माइक जो है उसमें हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ साफ़ ही नहीं थी। बहुत ट्राई किया, 3-4-5-6 बार ट्राई किया मैंने, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नुस्खे लगा के हेलमेट में, लेकिन फिर भी वो हवा की आवाज़ कहीं ना कहीं से जा ही रही थी। तो आज मैंने एक और नुस्खा लगाया है, वो क्या है, ये कर्टन लगाया मैंने इस पर, ये चेक करो, इस पर लगा हुआ नहीं आता। ये ना बहुत स्ट्रेचेबल कपड़ा है,
तो इसका मैंने कर्टन अंदर से पूरे स्क्रू खोल के इसमें पूरा सेट कर दिया, यहाँ से छेद करके स्ट्रैप इसमें से निकाल दिया इसका, जिससे कि ये भी अपना आराम से फिट हो जाए और इसमें भी प्रॉब्लम ना हो। अगर ऊपर से लगाता तो ये दब जाता, फिर इसका फ़ायदा ही नहीं था। तो यहाँ पे छेद करके स्ट्रैप निकाल दिए। अब बाकी एक बार चेक करते हैं, एक बार इससे मोटो ब्लॉक बना के देखते हैं, इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही। अगर इसमें भी आवाज़ आ रही होगी फिर मुझे नया हेलमेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हेलमेट में ही दिक्कत है जहाँ तक है। माइक तो बहुत सही है, माइक से मैंने वैसे भी माइक निकाल के भी आराम से मतलब टेस्ट कर लिया माइक का, तो माइक में तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसी में है, यहाँ से ना हवा नीचे से जा रही थी, अब ये जगह कवर हो गई है तो हवा जहाँ तक है नहीं जाएगी। बाकी क्या है, चीज़ का तभी पता चलता है जब उसे करके देखें। जल्दी से करके देख, अरे हाथ मुड़ गया मेरा, बस अब सही है। चलो जी, रेडी है अपने निकलने के लिए। माइक वगैरह सेट कर लिया, पता नहीं मुझे आवाज़ कैसी आ रही है, जैसी भी है देखते हैं। सबसे पहले फ्यूलिंग करवानी है तो निकलते हैं, फ्यूलिंग व्यूलिंग करवाते हैं। बस आवाज़ सही आ रही हो, बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में, कहाँ से? मेरठ से। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हालातों ने फंसा दिया है। ओहो, कुछ तो तगड़ा हुआ है इधर, कुछ तो मैटर संगीन है। हाँ, इधर क्या हो गया? हैं? कहीं भी लड़ाई हो रही हो, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ हो, तू मुझे मिल जाता है वहां पे। मेरा नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, दाड़ी कहाँ है? बाद में चलते हैं घर, पहले तो क्वालिटी चेक करते हैं कि व्लॉग की क्वालिटी कैसे आ रही है। अब ये बच्चा मेरे पीछे भागा हुआ आ रहा है जो अभी मुझे मिला। अब ये अपने मोहल्ले से चार पांच बच्चे और इकट्ठे करेगा, मुझे पता है इसका। अब देखना, ये गली है, इस गली में रहता है वो, यहाँ से बच्चे इकट्ठे करेगा। अब मेरे घर के बाहर आके आवाज़ें मारना शुरू कर देंगे, लव भैया लव भैया, मैं बाहर निकलूँगा। हाँ भैया घुमा लो, इतनी बार घुमा के ला चुका हूँ, इनका पेट ही नहीं भरता। लेकिन खैर, ये उम्र यही होती है जिस उम्र में किसी भी चीज़ से पेट नहीं भरता। गाइस, फिर से वही दिक्कत हो चुकी है। 12 मिनट की एक क्लिप, 3 मिनट की एक क्लिप, 15 मिनट के आसपास मोटो व्लॉग शूट करके आया मैं। अभी घर आते देखा तो उसमें हवा की इतनी ज़्यादा आवाज़ है ना, मेरा अब इतना मत्था गर्म हो रहा है, मैं क्या करूँ। 8 से 9 ट्राई कर चुका हूँ मैं जब से मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप आया है, 10 से 12 दिन 15 दिन होने वाले हैं मुझे, और भाई इतना बुरा हाल हो गया है। मतलब मैं कम से कम 8 से 9 बार वीडियो बना के अलग अलग इस पर ट्राई करके कि बस हवा अंदर ना घुसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है हवा अंदर घुस कहाँ से रही है। अब मैंने इस पर कर्टन भी लगा दिया, उसके बाद भी मुझे नहीं समझ आ रहा हवा कहाँ से जा रही है अंदर। अब मैं इतनी देर मोटो व्लॉग बना के आया, घर आते मैंने जैसी क्लिप देखी तो पता चला उसमें हवा की आवाज़ फिर से आ रही है, और वो पूरी ख़राब हो चुकी है। अब यार क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है नया एक हेलमेट लूँ, अब उस पर ट्राई करके देखते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर यार जब सब कुछ ही बदल लिया तो दिक्कत आ कहाँ रही है ये नहीं समझ आ रहा। माइक भी बिल्कुल सही है, माइक को अलग से यूज़ करके देखा, बढ़िया आवाज़ है माइक की, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर आवाज़ है। अब क्या करूँ यार मैं, मतलब जब इतनी देर मेहनत करो उसके बाद पता चलता है कि रिजल्ट 0 आया है तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं है समझ आ रही, फिर भी ख़राब हो गई। अब ये वीडियो फिर नहीं बनी। फोटो व्लॉग वाली क्लिप में ना आवाज़ बहुत ज़्यादा फट रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्लिप्स लगाई नहीं है, थोड़ी बहुत ही लगाई हैं। और अभी देखते हैं इसका कुछ समाधान निकालते हैं, जल्दी से जल्दी इसको सही करके फिर प्रॉपर मोटो व्लॉग भी बना के डालूंगा। ये प्रॉपर मोटो व्लॉग नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए क्लिप्स डाली कि आप लोग देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर समझ आ रहा है कोई सोल्यूशन तो ज़रूर से बताना कि मैं क्या करूँ जिससे कि आवाज़ साफ़ हो जाए। अब हेलमेट की आवाज़ का तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत ही गंदी सी इरीटेटिंग सी आवाज़ आ रही है उसमें से। कुछ ना कुछ तो करेंगे, या फिर नया हेलमेट लेके आऊँगा, इसके अलावा और तो मेरे ख्याल कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि माइक तो बिल्कुल ठीक है, जो भी मैं शॉर्ट्स पे वॉइस ओवर करता हूँ माइक से ही करता हूँ, तो माइक तो क्रिस्प एंड क्लियर है। बाकी दिक्कत मेरे को सिर्फ ये लग रही है कि हेलमेट में है या मैं कहीं गलत सेट कर रहा हूँ माइक को, उसमें दिक्कत है। इन दो चीज़ों में दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता और भी कोई दिक्कत है। अब जैसा भी है, इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और ब्लॉग में, टिल देन बाय, जय हिंद।